राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सिक्स सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर सेवन, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है और चैप्टर का नेम है टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बीएससी सिक्स सेमेस्टर में मैथ्स की तीन बुक हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यहाँ मैंने साइड में लिख भी दिया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो उस बुक के ही लेक्चर्स चल रहे हैं और ये इस बुक का सेवन चैप्टर है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं, जो प्रीवियस के सिक्स चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स देखने हैं, उनकी वीडियोज़ देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये इसलिए बोला कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तीन बुक हैं जिसमें से एक बुक तो ये हो गई, अदर टू बुक्स जो हैं, एक का नेम है न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं NA, और अदर जो सेकेंड बुक है उसका नेम है ऑपरेशन रिसर्च जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OR। ठीक है, तो OR और NA के लेक्चर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको उस बुक के लेक्चर्स देखने हैं दोनों बुक्स के, तो वो भी मेरे आपको चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी बड़ी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से जाकर वो भी देख सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेवन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, बीएससी सिक्स सेमेस्टर मैथ्स का टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। तो देखिए, टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज क्या है, ये एक अच्छी खासी भारी भरकम थ्योरम टाइप्स क्वेश्चन है कि टेलर सीरीज क्या है। उसका एक बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए चार पेज का प्रूफ है कि टेलर सीरीज क्या है, इसका स्टेटमेंट है और चार पेज का इसका प्रूफ है। ठीक है, ऐसे ही लॉरेंट सीरीज है, स्टेटमेंट है और उसका चार पेज का प्रूफ है। सो बीएससी में तो नीड नहीं होती, एमएससी में टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज का प्रूफ की नीड होती है। बीएससी में हम सिर्फ और सिर्फ ओनली इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं कि टेलर सीरीज के बेसिस पर क्वेश्चंस और लॉरेंट सीरीज के बेसिस पर क्वेश्चंस, प्रूफ करने के लिए नहीं आता है कि आपको पूरी पूरी सीरीज को प्रूफ करना है, थ्योरम को प्रूफ करना है, वो आपकी एमएससी में आती है। तो हम आज इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ करेंगे, हम यहाँ पर इसके प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, तो मैं इसके क्वेश्चंस को नोट करती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है। एक्सपेंड इन द सीरीज द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² - 3z + 2 इन द रीजन्स। इसका मतलब है आपको इस सीरीज को इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है। किसमें? सीरीज में लिखा है एक्सपेंड इन द सीरीज, आपको सीरीज में इसको एक्सपेंड करना है। कौन सी सीरीज में? टेलर सीरीज में या फिर लॉरेंट सीरीज में। ठीक है, द फंक्शन, इस फंक्शन को, इन द रीजन जो कि रीजन में है। ठीक है, कोई फंक्शन है जो कि रीजन में है, इसको आपको एक्सपेंड करना है सीरीज में। आपका फंक्शन, गिवन फंक्शन क्या है? एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² - 3z + 2, ये आपका गिवन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर इसके कुछ पार्ट हैं, इस क्वेश्चन को थ्री पार्ट्स में सॉल्व करना है, मतलब इसके थ्री पार्ट्स हैं, हर बार अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है मॉड जेड इज लेस देन टू 1, मॉड जेड इज लेस देन टू 1। तो देखिए इस कंडीशन पे इसको किस तरह से सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फंक्शन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो गिवन फंक्शन है वो लिख लीजिए। गिवन फंक्शन कितना है? एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² - 3z + 2, ये आपका फंक्शन है। सो सबसे पहले मैं ये जो नीचे डिनोमिनेटर में इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसकी पावर 2 है, आपको ये दिख भी रहा है, ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम फैक्टर कर सकते हैं, तो मैं इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, इसके फैक्टराइजेशन करके। जब मैं इसके फैक्टर करती हूँ तो मेरे को वैल्यू मिलती है z - 1 एंड z - 2। अब ये मत बोलिएगा कि फैक्टर सिखाने बैठ जाइए, फैक्टर कैसे करें, ये कैसे आया, बिकॉज ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं, वो भी लास्ट ईयर की, लास्ट सेमेस्टर की, और फैक्टर करना आप 8th क्लास में सीख के आए होंगे, 8th क्लास का बेसिक है कि फैक्टर कैसे होते हैं। और नहीं आता तो फिर भी मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगी अलग से, बट इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही इतने लेंथी हैं कि अगर इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको ये छोटी छोटी बात बताने बैठ गई तो बस क्या ही होगा, वीडियो कहाँ ही जाएगी, इतनी लेंथी वीडियो, फिर दिक्कत होती है सब चीज़ें लोड होने में भी, अपलोड होने में भी, सब चीज़ें दिक्कत होती हैं। तो बस यहाँ पर ये समझिए, मैंने इसके फैक्टर करें, ठीक है, फैक्टर करना आपको आते ही नहीं। अब
ये इस फंक्शन को मैंने इस तरह से बना लिया है, इसको और सिंपलीफाई करके। अब देखिए मैं इसको और सिंपलीफाई करूँगी, जितना आप सिंपलीफाई कर पाएंगे उतना आपको ही फ़ायदा, क्वेश्चन में अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, वैल्यूज़ को। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करना मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, इसके जो प्रीवियस वाला लेक्चर था कॉची थ्योरम वाले चैप्टर का, उसमें मैंने बताया था कि इसको क्यों और सिंपलीफाई करते हैं, जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो और ईजी हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कैसे, जेड माइनस वन माइनस जेड माइनस टू ओवर जेड माइनस वन जेड माइनस टू। देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ, देखिए नीचे का तो एज इट इज़ है, ऊपर को मैंने यहाँ लिख लिया है जेड माइनस वन माइनस जेड माइनस टू। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ना मेरे को वन ही मिलेगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, माइनस के वन माइनस माइनस प्लस के टू, टू में से बन गया वन, तो ऊपर ऑटोमेटिकली वन बन रहा है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया जेड माइनस वन माइनस जेड माइनस टू। अच्छा मैंने क्यों लिखा है, और सिंप्लीफाई होगा अभी, ये देखिए फंक्शन, जब मैं इसकी स्प्लिट एलसीएम करूँगी, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, जब मैं स्प्लिट एलसीएम करूँगी तो आपको वैल्यू मिलेगी जेड माइनस टू वन अपॉन जेड माइनस वन। कैसे मिली, जब मैं दिस अपॉन दिस करूँगी, जेड माइनस वन से जेड माइनस वन कैंसिल, कितना बचेगा वन अपॉन जेड माइनस टू। जब मैं दिस अपॉन दिस करूँगी तो जेड माइनस टू बचे से जेड माइनस टू कैंसिल, वन अपॉन जेड माइनस वन बचेगा। तो इस तरह से स्प्लिट एलसीएम मैंने यहाँ पर की है। तो अब हमारा फंक्शन बनकर तैयार हो गया। देखिए फंक्शन क्या गिवन था, ये कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके हमने इस फंक्शन को बना लिया ये, बिकॉज़ यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को ऐसा क्यों बनाया, उसके दो तीन रीज़न है। कॉचीज़ में हम इसलिए बता रहे थे जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाए, कॉचीज़ थ्योरम कॉचीज़ इंटीग्रल फॉर्मूले वाले रिलेटेड जो क्वेश्चंस करे थे उसमें भी मैंने सेम यही प्रोसेस बताया सिंप्लीफाई करने का, फंक्शन को ईजी बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पर इंटीग्रेशन करना होता था, यहाँ पर इसलिए कराया, एक तो कैलकुलेशन ईजी हो गई, दूसरा आपको यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है मॉड जेड इज़ लेस देन वन। तो जब तक आपके पास ठीक से सेपरेटली पॉइंट्स नहीं होंगे, यहाँ पर आप बता सकते थे जेड की कितनी कितनी वैल्यू है यहाँ पर फंक्शन में, थोड़ा सा टफ फैक्टर आपको तभी भी सोचने पड़ते कि अच्छा इसके बताने हैं, अच्छा तो इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आपको जेड माइनस वन और जेड माइनस टू मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह से थोड़ा सा फंक्शन बनाने के लिए, बट ये साथ में था अब सेपरेट हो गया, इसलिए आपको यहाँ पर ये काम करना होता है क्योंकि आपको पॉइंट गिवन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में z की वैल्यू कितनी कितनी है, इस फंक्शन में z की वैल्यू कितनी कितनी है, टू है और वन है। ठीक है, इंडिविजुअली देखिए टू है और वन है, तो इसका मतलब यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, लेस देन वन। अगर z लेस देन वन है तो ऑटोमेटिकली लेस देन टू भी होगा। अगर कोई वैल्यू, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू वन से कम है तो 110% वो टू से भी कम होगी। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख लिया कि वन से कम है तो टू से भी कम होगी। क्यों लिखी, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू मुझे दिख रही है वन और टू है जेड की वैल्यू। अब देखिए ये बात हमने क्यों लिखी, अभी लास्ट में समझ में और अच्छे से आएगा जब क्वेश्चन पे पहुँचेंगे हम, क्वेश्चन के आंसर पे सॉल्यूशन पे। अभी आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए वन ओवर डिनोमिनेटर में हम लोएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, तो लोएस्ट पावर है यहाँ पर टू, तो मैं टू को कॉमन ले रही हूँ, मतलब जेड की पावर यहाँ तो वन है, यहाँ कितनी है जेड की पावर, जीरो, तो मैं यहाँ पर माइनस के टू कॉमन ले रही हूँ, साइन के साथ लेते हैं कॉमन। ये इसको करने का ऐसे ही मेथड है कि आपको जब कॉमन लेना होगा लॉरेंट सीरीज टेलर सीरीज के वाले क्वेश्चंस में, तो हम नंबर को कॉमन लेंगे, वेरिएबल को नहीं लेंगे, नंबर को, लोएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, जो हम लेंगे टू वो भी नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस के टू बाहर जाएगा, अंदर बचेगा वन माइनस जेड अपॉन टू। समझ रहे हैं, ये वाला वन मैंने पहले लिख दिया, माइनस के टू कॉमन लेना, और ये कितना बचेगा माइनस के जेड अपॉन टू, कॉमन लेना तो आता ही होगा। अगेन ऐसे ही हम इस वाले टर्म में लेंगे, यहाँ पर हम कितना लेंगे कॉमन, माइनस के वन, तो अंदर कितना बचेगा वन माइनस जेड। इस तरह से हमने इसको कॉमन ले लिया है। अब देखिए फंक्शन को सिंप्लीफाई करते जाइए, माइनस के वन अपॉन टू, इस पूरे टर्म को मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को, वन माइनस जेड अपॉन टू, ऊपर जाकर इनवर्स में हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, नीचे प्लस है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी माइनस के वन, माइनस अभी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस वन, और ये हो जाएगी वन माइनस जेड की पावर माइनस के वन, क्योंकि ये भी नीचे थी, डिनोमिनेटर में थी, न्यूमिनेटर में गई, माइनस के वन हो गई है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम खोलते हैं एक्सपेंशन, क्या खोलते हैं हम इसके बाद, एक्सपेंशन। ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मल एक्सपेंशन खोलते हैं ना, वन माइनस एक्स का या वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन खोलते हैं। देखिए मैं यहाँ साइड में बता देती हूँ आपको, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे आप वन माइनस एक्स का माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का आप एक्सपेंशन खोलते हैं, किस तरह से खोलता है, वन प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह से खोलते हैं, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन का एक्सपेंशन खोल रहे हैं, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सोन। एक्सपेंशन तो याद होंगे ना, नहीं याद है तो ध्यान से देख लीजिए, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का ये होता है, प्लस के साइन आते हैं नेगेटिव वाले में, और पॉजिटिव वाले में ऑल्टरनेटिव साइन आते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से एक्स फिर पावर बढ़ती जाती है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सपेंशन खोलते हैं। अब इस एक्सपेंशन को अगर हमें समीशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, समीशन n 0 से इन्फिनिटी, n की वैल्यू कैसे जाती है देखिए, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, x की पावर n है ना, तो x की पावर n और n की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, सेम यहाँ पर बनेगी, बस यहाँ पर ऑल्टरनेटिव साइन है, तो ऐसे लिखेंगे समीशन n 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n x की पावर n। जब जब ऑल्टरनेटिव साइन हो ना एक्सपेंशन में, वहाँ पर माइनस 1 टू द पावर n लिख जाता है जब समीशन में लिखते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको एक्सपेंशन में ऑल्टरनेटिव साइन मिले, जब आपको उसको समीशन में लिखना पड़े, तो वहाँ पर आप साथ में क्या अटैच करेंगे, माइनस वन टू दी पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन। देखिए यहाँ पर एक्स की पावर एन, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, इस तरह से। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप एक्सपेंशन ओपन करते हैं और आपको उसको समीशन में लिखना पड़े, तो उसको ऐसे लिखेंगे, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। सो यहाँ पर हम यही काम करते हैं टेलर सीरीज़ में, हम डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं खोलते, एक्सपेंशन ना खोल के हम क्या लिखते हैं, उसको समीशन में लिख देते हैं। यही फॉर्म होती है क्वेश्चंस को करने की टेलर सीरीज़ में। तो इसको मैं समीशन की फॉर्म में लिख रही हूँ, तो माइनस वन अपॉन टू तो एज इट इज़ है, इसका एक्सपेंशन क्या खुलेगा, समीशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी जेड अपॉन टू, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर क्या है, जेड अपॉन टू की पावर एन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, प्लस वन है, वन लिखे नहीं लिखे, वन से मल्टीप्लाई है, अंडरस्टूड सी बात है। अब इसको समीशन में लिखें, समीशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर क्या है, जेड है, क्या है यहाँ पर, जेड, यानी कि जेड की पावर एन, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों ही टर्म्स में हमें समीशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ, समीशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी, अंदर कितना बचेगा, माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू, और जेड की पावर एन, जेड की पावर एन भी दोनों टर्म्स में कॉमन है, जेड की पावर एन और जेड की पावर एन भी दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो मैं उसको भी ले लेती हूँ, तो अंदर बचेगा माइनस वन अपॉन टू और एक एन यहाँ पर है, तो एन प्लस वन, टू की पावर एन और एक टू ये था, तो टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर एन प्लस वन, क्लियर। देखिए एक टू तो ये था और एक टू टू दी पावर एन ये था, तो टू टू दी पावर एन प्लस वन एक ही वाला एन, इसको इस तरह से हमने लिख दिया है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा बाहर, सब कॉमन आ जाएगा, प्लस वन जेड एन और कॉमन ले लिया मैंने बाहर करके लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लीजिए, वो कैसे देखिए, पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में, प्लस वन जेड की पावर एन एफ जेड। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आया समझ में, इस टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, हो जाते हैं बच्चे से आसानी से, बट इसको समझने की नीड है कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला है। देखिए अभी आपको फर्स्ट पार्ट में दिया था कि मॉड जेड जो है वो लेस देन वन है, हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में दिया है मॉड जेड इज लेस देन टू बट ग्रेटर देन वन, ठीक है। z की जो वैल्यू है पहले तो थी वो वन से वन, सॉरी वन से छोटी, अब क्या है वन से तो बड़ी है लेकिन टू से छोटी है, यानी कि जो z की वैल्यू है वन और टू के बीच में लाया करती है। अब इस कंडीशन में फंक्शन कैसे आपका सॉल्व होगा तो वो ध्यान से देखिएगा। देखिए जो फंक्शन हमने बड़ी मेहनत से सिंप्लीफाई करके निकाल के लाए थे, कहाँ गया ये, तो फंक्शंस तो आपका यही रहेगा हर बार, बस कंडीशंस थोड़ी बहुत चेंज होंगी, तो z माइनस टू माइनस वन अपॉन z माइनस वन, तो फंक्शन तो आपका ये दिया, और उसमें काम भी वही करेंगे, काम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ से क्या ले लिया, माइनस के टू कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा वन माइनस जेड अपॉन टू, माइनस यहाँ से मैंने क्या ले लिया, वन कॉमन ले लिया, सॉरी वन कॉमन नहीं लेंगे, वन कॉमन नहीं लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, जेड कॉमन लेंगे, देखिए जेड कॉमन लिया, वन माइनस वन अपॉन जेड। अब आप सोचेंगे जेड क्यों कॉमन ले लिया, वन कॉमन लेना था ना, z क्यों कॉमन ले लिया, तो z हम कंडीशन से देख के कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पर लेस देन टू था, z की वैल्यू टू से कम थी तो हमने टू कॉमन ले लिया, बट यहाँ पर z की वैल्यू वन से ज़्यादा है तो इसलिए हम यहाँ पर z कॉमन लेंगे, ये बात आप समझिए, z हम लेंगे बिकॉज़ z बड़ा है
वन से, तो आप यहाँ पर जेड कॉमन लेंगे, ठीक है। बस फिर तो पुराने काम है, माइनस के वन अपॉन टू लिखा, इसको मैं ऊपर लेकर गई तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस के वन। सेम इस वाले टर्म में मैं इस वाले ब्रैकेट को ऊपर लेकर गई, ये हो गया माइनस के वन। एक्सपेंशन को ओपन करेंगे समेशन में, तो समेशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी, एक्स के प्लेस पर है जेड अपॉन टू, तो जेड अपॉन टू टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन जेड, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर है वन अपॉन जेड, तो वन अपॉन जेड की पावर एन, सॉरी समीशन वाला काम रह गया लिखने से, समीशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। दोनों ही टर्म्स में समीशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी कॉमन दिख रहा है मुझे, और अंदर बचेगा कितना, बचेगा अंदर बचेगा जेड की पावर एन अपॉन टू एन प्लस वन। नेगेटिव साइन को मैं बाहर ले ले रही हूँ, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर प्लस बन जाएगा वन अपॉन जेड एन, यहाँ पर भी है जेड एन, यहाँ पर भी है, तो हो जाएगा जेड जेड एक जेड वन यहाँ पर है, जेड की पावर एन है तो जेड एन प्लस वन। तो इस तरह से आपने ये फंक्शन फाइंड किया, इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। समझिए इसमें जेड जो है वो बड़ा है वन से, तो यहाँ पर हमने जेड इसलिए कॉमन लिया, बच्चे हैं कन्फ्यूज होते हैं कि जेड क्यों कॉमन लिया, ठीक है। इसका एक पार्ट और है, उस पार्ट में क्या बोल रहे हैं, उस पार्ट में बोल रहे हैं कि जो मॉड जेड है वो बड़ा है टू से और वन से भी बड़ा है। अभी तो वो छोटा था दोनों से, फिर वो दोनों के बीच में लाया करा, जेड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, अब जेड क्या हो गया टू से भी बड़ा है और वन से भी बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में देखिए फंक्शन तो आपका वही रहेगा जो फंक्शन था, वन अपॉन जेड माइनस टू माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है। आप बस कॉमन लेने पे आपको ध्यान रखना है, कॉमन कैसे लेना है, यहाँ पर तो आप लेंगे जेड कॉमन, क्योंकि जेड बड़ा है ना, जो बड़ा होता है उसको कॉमन लेते हैं, जो बड़ा होता है उसको कॉमन लेते हैं, यहाँ पर जेड बड़ा है तो जेड को कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा वन माइनस टू अपॉन जेड माइनस, यहाँ पर भी जेड को ही कॉमन लेंगे, जेड वन माइनस जेड कॉमन लेने वाली, सॉरी वन अपॉन जेड कॉमन लेने वाली, बात आपको ध्यान रख लेनी है। ये मैंने कॉमन ले लिया, नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ आप क्या करेंगे। एफ जेड इज इक्वल टू वन, सिंपल सी बात है, वन ओवर जेड तो एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट ऊपर आ जाता है वन माइनस टू अपॉन जेड माइनस में माइनस माइनस वन अपॉन जेड एज इट इज़, ब्रैकेट ऊपर आ जाएगा क्या है ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन जेड, वन माइनस वन अपॉन जेड, इस तरह से मैंने ले लिया है दोनों, ये भी माइनस का हो जाएगा, जब हम दोनों पावर्स को लेंगे तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी। एक्सपेंशन ओपन करेंगे वन अपॉन जेड समेशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी, एक्स के प्लेस पर है टू अपॉन जेड टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन जेड समेशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन जेड की पावर एन। ये ना बहुत प्रैक्टिस से जल्दी से लिखना आ जाता है, समीशन में एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी बाहर वाला चीज़ एज इट इज़ है, और एक्स के प्लेस पर क्या है टू अपॉन जेड, टू अपॉन जेड की पावर एन। ये इसमें समीशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन जेड एज इट इज़ है बाहर, और एक्स के प्लेस पर क्या है वन अपॉन जेड की पावर एन। ये ना ये बच्चे को तभी लिखना आएगा अच्छे से जब उसने ये चीज़ समझी होगी, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है ये अगर उसने अच्छे से समझी होगी तभी उसको ये समझ में आएगा। फिर कॉमन लेना है, वन अपॉन जेड कॉमन आ रहा है, समीशन कॉमन आ रहा है, एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी कॉमन आ रहा है, और अंदर कितना बच रहा है, अंदर बच रहा है टू टू दी पावर एन माइनस के वन। देखिए दोनों में जेड की पावर एन, जेड की पावर एन है ना, तो मैं बाहर लिख दे रही हूँ जेड की पावर एन, तो इसको कुछ इस सेंस लिख लीजिए, समीशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी टू टू दी पावर एन माइनस वन और वन अपॉन जेड एन प्लस वन, क्योंकि एक जेड यह है एक जेड टू दी पावर एन यह है, तो यहाँ हो जाएगा जेड एन जेड की पावर एन प्लस वन। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इस वाले थर्ड पार्ट का। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसके होने हैं लॉरेंट सीरीज के, तो ईजी हैं और अच्छे हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। अब इसके सेकंड लेक्चर्स में हम और क्वेश्चंस देखेंगे जिनका लेवल थोड़ा सा अप है, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह भी लग रहे हैं सॉल्व करने के लिए। अभी तो यहाँ सिंपल आपका सिंप्लीफाई हो गया था, बट हर जगह नहीं हो रहा, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाने पड़ेंगे कहीं कहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।